नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस एंड फोक ड्रामास ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी हम हिमाचल प्रदेश के सभी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, डांसेस एंड ड्रामास को इस टॉपिक में देखेंगे। साथ ही ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे इस टॉपिक में जिन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो याद रखने में भी आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी रहेगी। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कथरी इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच प्लेस। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कथरी है ये कहाँ का फेमस फोक डांस है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कुल्लू। कुल्लू का एक फेमस फोक डांस है कथरी, तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको इसलिए बोला था ये टॉपिक डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि आपको कुछ वर्ड्स इस टॉपिक में मिलेंगे जो थोड़े कॉमन नहीं है बोलने में, तो उन्हें याद रखने में भी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे टॉपिक को तो उतना ही आपको सिंपल लगेगा, फिर आपको चीज़ें रिवाइज होने लग जाएगी अपने आप ही। बाकी पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कथरी इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच प्लेस, तो आपका राइट आंसर है कुल्लू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ कयांग। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो कयांग है ये क्या है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, टाइप ऑफ फोक डांस, सेकेंड है अफेयर ऑफ किन्नौर, थर्ड है ट्राइब ऑफ लाहौल, फोर्थ है अ टाइप ऑफ याक ऑफ स्पीति। तो कयांग क्या है, क्यांग है एक टाइप ऑफ फोक डांस, एक और है एक क्यांग है, एक है बकयांग। तो ये दोनों ही याद रखना है आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, क्यांग है और बकयांग, ये दोनों ही फेमस फोक डांसेस हैं। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के फेमस फोक डांसेस हैं, ये है किन्नौर के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि किन्नौर के फेमस फोक डांसेस है क्यांग और बकयांग। क्वेश्चन में हमें पूछा था क्यांग क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा टाइप ऑफ फोक डांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, झांकी इज़ द फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो हमें बताना है जो झांकी है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का ट्रेडिशनल ड्रामा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चंबा। चंबा का फेमस एक ड्रामा है जिसका नाम है झांकी, तो ये आपको याद रखना है। झांकी कहाँ का फेमस ड्रामा है, ये है चंबा का। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हांतर एंड झांकी आर द फोक ड्रामाज ऑफ विच प्लेस। तो क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं झांकी हमने पहले डिस्कस किया था, झांकी कहाँ का था, चंबा का था, तो हांतर भी कहाँ का होगा, ये भी चंबा का होगा। ठीक है, हांतर और झांकी दोनों ही फेमस फोक ड्रामास हैं चंबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, बुढ़ा इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि बुढ़ा कहाँ का फेमस फोक डांस है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सिरमौर। सिरमौर का फेमस फोक डांस है बूढ़ा, कई बार एग्जाम में आ गया, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द कयांग फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने आपको पीछे बताया कयांग था, एक बकयांग था, ये कहाँ के फोक डांसेस थे, ये थे किन्नौर के। तो राइट आंसर क्या है आपका, किन्नौर। किन्नौर के फेमस फोक डांसेस है कयांग और एक बकयांग था। ठीक है, दोनों याद रखने, कयांग और बकयांग किन्नौर के फोक डांसेस हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, बान या गांचू बकयांग क्यांग और फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नाम दे रखे आपको बन या गांचू बकयांग क्यांग और फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो आपको बताना है। मैंने आपको बताया था क्यांग और बकयांग तो किन्नौर के फोक डांसेज थे, तो जो ये बन या गांचू दिया है ये भी किन्नौर का ही फोक डांस है। थोड़ा बोलने में अजीब सा लग रहा है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, क्यांग बकयांग और बनिया गांचू ये किन्नौर के फोक डांसेज हैं। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन में दिए बांटड़ा इज़ द फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमें बताना है बांटड़ा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फोक ड्रामा है। पहले हम सिरमौर का देख लेते हैं, सिरमौर का मैंने आपको भी बताया एक डांस है फेमस फोक डांस है, वो कौन सा है, बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा ये याद रखना आपको, बूढ़ा थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर। चंबा का मैंने आपको क्या बताया था, चंबा के थे हांतर और झांकी, फेमस जो फोक ड्रामा थे वो थे हांतर और दूसरा कौन सा था, झांकी। बिलासपुर का एक फेमस सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, उसका नाम क्या है, वो है मोहना। तो ऑप्शन कौन सा रह गया हमारे पास, एक ही ऑप्शन बताया मंडी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंडी। जो बांठड़ा है ये मंडी का फोक ड्रामा है। बाकी सिरमौर का आपको याद रखना है बूढ़ा एक डांस है फोक डांस, चंबा के फोक ड्रामा से हांतर और झांकी, बिलासपुर का फोक सॉन्ग है मोहना, तो ये इम्पोर्टेंट है।
बाकी बांथड़ा है फोक ड्रामा मंडी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, मोहना इज़ द फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको भी बताया मोहना है ये कहाँ का फेमस फोक सॉन्ग है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, बिलासपुर। तो बिलासपुर का फेमस फोक सॉन्ग है मोहना। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ में बोला है भेंट एंड बिहा गड़ा फोक सॉन्ग्स बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो इसमें देखा जो भेंट है और बिहा गड़ा है ये फोक सॉन्ग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है रिलीजियस सॉन्ग, यानी भेंट और बियागड़ा ये एक रिलीजियस सॉन्ग्स है। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। कमला रानी एंड रोशनी देवी हैज़ अर्नड नेम इन विच फील्ड। तो दो नाम दे रखे हैं कमला रानी और रोशनी देवी, तो इन्होंने कौन सी फील्ड में नाम कमाया, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है फोक सॉन्ग्स। तो फोक सॉन्ग्स गाती थी कमला रानी और रोशनी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो ऑफ द स्टेट नोन बाय द नेम साउंड ऑफ माउंटेन्स वॉज सेटअप इन 1986। तो 1986 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडियो खुला था, म्यूजिक स्टूडियो, जिसका नाम था साउंड ऑफ माउंटेन्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंडी। मंडी में खुला था साउंड ऑफ माउंटेन्स 1986 में, जो फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो था हिमाचल प्रदेश का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ किन्नौरी फोक सॉन्ग तिप्सी बांथनी। यार इसमें पूछ रहा है किन्नौर का एक फोक सॉन्ग है तिप्सी बांथनी, उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो इसमें जो तिप्सी बांथनी है फोक सॉन्ग ये किस पर है, यह है एक उषा देवी गॉडेस होती है जिन्होंने जेलसी में एक कर्स दिया होता है किन्नौर की एक ब्यूटीफुल गर्ल को, तो वो सब्जेक्ट है यानी उस बारे में बताया गया इसमें जो फोक सॉन्ग है तिप्सी बांथनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ राजा गद्दन डिपिक्ट्स वूइंग ऑफ नुक्कू गद्दन बाय विच राजा। तो जो गाना है एक लव सॉन्ग है राजा गद्दन, ये किसके ऊपर है, यह है संसार चंद ऑफ कांगड़ा और एक नुक्कू गद्दन उनके ऊपर है, उनकी लव स्टोरी के ऊपर है। तो संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे और एक नुक्कू गद्दन थी, उनकी लव स्टोरी पे एक गाना है जिसका नाम है राजा गद्दन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, सी ए फोक डांस रिलेटेड टू विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सी ए फोक डांस कहाँ का है, ये आपका पड़ता है रोरू जुब्बल। ठीक है, रोरू जुब्बल जो एरिया है यहाँ पर ये फोक डांस होता है सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, झांझर इज़ द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गए, जो झांझर है ये कहाँ का फेमस डांस है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है चंबा, ऑप्शन ए चंबा। चंबा का फेमस डांस है झांझर, तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उजक जामा इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये उजक जामा है ये कहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कुल्लू। कुल्लू का मैंने आपको एक फोक डांस और भी बताया था, वो कौन सा था, कथड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कथड़ी एक फोक डांस है, इम्पॉर्टेंट है कुल्लू का। साथ में ये उजक जामा, ये भी एक फोक डांस है, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इसको करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, द थोडा डांस ऑफ शिमला एंड सिरमौर हिल इज़ अ। तो जो थोडा डांस है जो शिमला और सिरमौर में होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है वॉर डांस, एक वॉर डांस है थोडा, एक वॉर डांस है जो कि शिमला और सिरमौर में होता है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, आज मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट MCQ कराए हिमाचल प्रदेश के फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस एंड फोक ड्रामा से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा जिससे मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना दूँगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्द है, थैंक यू।